रहूं या ना रहूं, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, मैं डरता नहीं हूं। अंकेबुनी की रिया, मैं नहीं डरता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे संग हैं। शिवाय नमस्ते। मैं अपने सब दीप्रसाद को सबसे पहले गुड आफ्टरनून बोलना चाहता हूँ और आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं आज फेसबुक लाइव एक स्पेशल रीजन के लिए कर रहा हूँ। आप सबको मालूम होगा कि ऑन द 30th कल सवेरे 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक त्रिपुरा में ADC एरियाज में बंद होगा और मैं अपने सब त्रिप्रसाद से पहले बात करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं मथुरा के लीडर से बात करूँगा। लेकिन मैं अपने त्रिप्रसाद कम्युनिटी से एक बात बोलना चाहता हूँ। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ये स्ट्राइक का क्या दरकार है। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ मथुरा के लीडर्स या कुछ IPFT के लीडर्स या कुछ जनजाति के लीडर्स या समाजपति के संग उनका मीटिंग हुआ है। मैं चाहता हूं कि त्रिप्रसा कम्युनिटी एक आवाज में एक मैसेज दिल्ली को दे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन आपको पूरा करना पड़ेगा। ये बात सिर्फ कोई पॉलिटिकल लीडर्स नहीं बोल रहे हैं, ये दिल्ली को समझना चाहिए। ये बात पूरा त्रिप्रसा कम्युनिटी बोल रहा है कि लास्ट 76 इयर्स में हमें अपने ही जमीन में भूमिहीन किया गया है, हमें अपने ही जमीन में हमारा अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स हो, लैंड राइट्स हो, लेजिस्लेटिव राइट्स हो, इकोनॉमिक राइट्स हो, वो छीना गया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें एक सोच समझ कर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देना पड़ेगा। अभी तक शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि सिर्फ बुबागरा ही बात कर रहा है, प्रद्योत ही बात कर रहा है, या सिर्फ IPFT के लोग बात कर रहे हैं, या फिर सिर्फ कोई जनजाति लीडर्स बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझना होगा कि ये पूरा त्रिप्रसा कम्युनिटी, हर जाति से कम्युनिटी, ये आवाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक मैसेज भेज रहा है कि हमारा सोल्यूशन निकालिए, हमने बहुत दिन तक वेट किया है, आप हमारा सोल्यूशन निकालिए। ये मैसेज सिर्फ पॉलिटिशियन देने से नहीं होगा, बुरोई को देना पड़ेगा, यूथ को देना पड़ेगा, जो स्टूडेंट्स है उनको देना पड़ेगा, जो काम करते हैं उनको देना पड़ेगा, सोसाइटी को देना पड़ेगा, दोफा को देना पड़ेगा। क्योंकि दोफा जब सीरियस हो जाएगा तो गवर्नमेंट को भी आपका वोट चाहिए, गवर्नमेंट को भी आपका सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट को आपका बात मानना पड़ेगा। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल फाइट नहीं है, ये हमारा सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस का फाइट है। दिस इज नॉट जस्ट अ फाइट फॉर सम पॉलिटिक्स, दिस इज अ फाइट फॉर अ सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस, फॉर अ बेटर फ्यूचर, एक अच्छा कल के लिए आज हमें एक होना पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं तो आज हमें एक होना पड़ेगा। मैं अपने मथुरा के लीडर्स को एक बात बोलना चाहता हूं। आप लोग MLA हो सकते हैं, MDC हो सकते हैं, EM, CM सब हो सकते हैं, आपको अपने गांव में, अपने एरिया में आपके वर्कर वॉरियर के संग बैठकर आज ही रात से, कल जाने से नहीं होगा, आज ही जाना पड़ेगा। एक रात वहां में होल्ड कीजिए, अपने लोगों के संग बैठिए, आज ही रात से प्रिपरेशन कीजिए और कल मैं आपको ग्राउंड में देखना चाहता हूं। और ग्राउंड छोड़कर इधर उधर नहीं जाना है, हमारे लोगों को जहां में हम लोग ने पॉइंट्स डिसाइड किया है वहीं में बैठकर अपना मैसेज भेजना होगा। डरने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग वायलेंस करेंगे।
फायर ब्रिगेड हो, एम्बुलेंस हो, मिल्क डिलीवरी हो, न्यूज़पेपर वाले हो, मीडिया हो, जो एसेंशियल इमरजेंसी डॉक्टर्स हो, किसी का शादी हो रहा हो, उनको जाने दीजिए, क्योंकि वायलेंस मैसेज नहीं है, हंसा मैसेज है। अगर हमें सत्याग्रह करना है, महात्मा गांधी ने भी सत्याग्रह किया, पूरा अंग्रेज को मानना पड़ा कि उनसे गलती है, इसके लिए वो देश छोड़ते रहे। आज अगर हमें अपना मैसेज क्लियर करना है तो हमें एक होना। ये जो हमारा मूवमेंट है, मैं यूथ को एक मैसेज भेजना चाहता हूं। यूथ, यू ऑल आर द फ्यूचर, वी आर फाइटिंग फॉर यू। जिनका टाइम जाना था वो आज सिर्फ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनका टाइम गया है, उन्होंने अपने टाइम में कुछ नहीं किया, एक पार्टी से दूसरे पार्टी, दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी। यूथ आपके बारे में बात करता हूं, मैं तिपरा मोथा में यूथ को इंक्लूड करके अब अधिकार दूंगा। कल मेरा YTF प्रेसिडेंट के संग बात हुआ है और मैं चाहता हूं कि यूथ मुझे एनर्जी दे। मुझे जो आज ताकत मिलता है ना, पॉलिटिक्स से नहीं मिलता, पॉलिटिशियन से नहीं मिलता। जब एक तिपरासा आकर मेरे संग फोटो खींचता है, मेरा गला मिलता है, मुझे हग करता है, मुझे बोलता है महाराजा वी लव यू, मैं भी बोलता हूं आई लव यू, मैं मुझे एनर्जी वहां से आता है आपके लिए फाइट करने के लिए। और यूथ, आप जमीन में रहिए, नो वायलेंस, हमें वायलेंस नहीं करना है, कोई भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना है, कोई भी दुकानदार को टारगेट नहीं करना है, लेकिन हमें एक होकर अपना ताकत दिखाना है। ताकत, असली ताकत वो होता है जब कोई कमजोर को ना मारो, असली ताकत वो होता है जब कोई गरीब को निशाना नहीं करो, असली ताकत वो होता है जब किसी के धर्म में देखकर आप उसको अटैक नहीं करो, ताकत ये होता है जब हम एक होते हैं, थानसा होता है, यूनिटी होता है। ताकत दिखाना है तो एकता में दिखाओ, किसी को मार के पीट के नहीं, वायलेंस नहीं होगा, कोई चुआक नहीं पिएगा, कोई नशा नहीं करेगा, डिसिप्लिन होकर आप अपना आंदोलन को दुनिया को दिखाइए। मैं मीडिया को रखूंगा, ये स्ट्राइक अगर सक्सेसफुल हुआ, ये पूरा इंडिया को दिखाना है, पूरा इंडिया को मैसेज दिखाना है कि एक छोटा सा जनजाति कम्युनिटी त्रिपुरा से एक मैसेज दिल्ली को भेज सकता है, शांति से, बिना वायलेंस का। हमको मणिपुर नहीं चाहिए, वी डोंट वॉन्ट अ रिपीट ऑफ मणिपुर, उसमें किसी का फायदा नहीं है, आम आदमी सफर करेगा। आप लोग यूथ स्ट्रांग होकर रहिए अपने मैदान में, डोंट लीव योर ग्राउंड, दिस इज योर फील्ड। और फ्यूचर टिपरा मोथा में यूथ का है, यूथ ही का है। और बुराई को मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग हैं तो हम हैं, बुराई नहीं होगा, मां नहीं होगा, बहन नहीं होगा, परिवार नहीं होगा, सोसाइटी नहीं होगा, तो हम लोग कहीं भी नहीं। आप लोग हमें बैक कीजिए। मैंने हर लीडर को दायित्व दिया है, लेकिन सिर्फ लीडर से नहीं होगा, हमें आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए। कॉमन तिपरा सा का, जिसको पॉलिटिक्स में कोई शौक नहीं, जो सिर्फ चाहता है कि हमारा कंडीशन अच्छा हो, हमारा भविष्य अच्छा, हमें अपने ही राज्य में एक ऐसा दर्जा दिया जाए जहां में हम लोग का कल अच्छा हो। त्रिपुरा में बहुत अन्याय हुआ, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता हूं, लेकिन त्रिपुरा में अन्याय हुआ, जिस स्टेट ने लाख लाख लोगों को बांग्लादेश से जगा दिया, उसको वही के हानि बसा को आप लोग ने डिनाई किया है। मैं नहीं बोल रहा हूं, जो लोग अगरतला में बैठते हैं, आप अगरतला से 10 किलोमीटर अंदर जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि तिपरासा का कंडीशन गांव में क्या है। हम लोग वी आर सन ऑफ द सॉइल, हमको हम
किसी के खिलाफ नहीं है, हमें अपना अधिकार दीजिए। बीजेपी ने इलेक्शन के टाइम में घोषणा पत्र किया था, मैनिफेस्टो निकाला था। इलेक्शन खत्म होकर 8-7 महीना हो गया, आपने अपने ही घोषणा पत्र को इंप्लीमेंट, एक पॉइंट इंप्लीमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? इलेक्शन के टाइम वोट के लिए आप बोलेंगे, इलेक्शन तो आप जीते हैं, तो आपने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? बात क्यों नहीं किया? अपने लीडर से जाकर दिल्ली में आपने क्यों नहीं प्रेशर दिया है कि जो हमने मैनिफेस्टो में, बीजेपी ने मैनिफेस्टो में लैंड राइट्स, डायरेक्ट फंडिंग, 125th अमेंडमेंट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जो भी आपने प्रॉमिस किया था, उसको आपने अपने लीडर को दिल्ली में जाकर प्रेशर क्यों नहीं किया? क्यों 5 साल बाद फिर से आप यही बात बोलेंगे? ऐसा नहीं चलता मेरे दोस्त। आप कोई भी पार्टी में हो, पहले जाति को इम्पोर्टेंस दो। पार्टी तो रहेगा, पार्टी आपसे वोट भी लेगा अगर आपका जाति आपके साथ रहेगा। वफादारी, ईमानदारी, लॉयल्टी शुड बी गिवन टू योर कम्युनिटी। आई एम आस्किंग एवरीवन टू सपोर्ट द बन, क्योंकि ये मैसेज दिल्ली को जाना चाहिए कि पब्लिक कुछ चाहती है, पिपरासा लोग कुछ चाहते हैं। आप दिल्ली में सिंहासन में बैठे हैं, आप हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे संग न्याय कीजिए। रहा बात कम्युनिस्ट पार्टी का, मैं आई एम थैंकफुल, आज सवेरे मेरा बात भी हुआ कांग्रेस के लीडर से, उन्होंने अपोज नहीं किया है बंद को, सपोर्ट नहीं किया हो, अपोज तो नहीं किया। आई एम थैंकफुल फॉर दैट। आई एम थैंकफुल टू एडमिनिस्ट्रेशन कि उन्होंने कोई एरा गैरा स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन सीपीएम जो हमेशा मेरे पास आता है, धनपुर के टाइम आया, आप कैंडिडेट मत दो, बक्सनगर में बोला कैंडिडेट मत दो, आज वही सीपीएम कहता है कि मोथा का बंद को अपोज करेंगे। करके देखो, करके देखो। 25 साल आपने राज किया त्रिपुरा में, इंडिया में पूरा मार्केटिंग हुआ। मानिक सरकार इज द मोस्ट पुअरेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किसी ने जिक्र किया कि मानिक सरकार ने तिपरासा को भी पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब रखा। क्यों आज हमारा स्थिति यहां में ऐसा क्यों है? क्यों है ये स्थिति? पावर में आप थे, आपने नौकरी क्यों नहीं दिया? डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक भी तिपरासा एरियाज में नहीं। रोड्स क्यों नहीं बने? पूरा इंडिया में मार्केटिंग किया है आपने कि आप सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन आपने ये बात नहीं बोला कि आपने त्रिपुरा के जनजाति को भी पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब रखा, और आज मेरे बंद को अपोज करते हो। ठीक, अपोज कीजिए, मैं जवाब नहीं दूंगा। एक मां जिसका बच्चा को एजुकेशन नहीं मिला, एक बेटा जिसका पिताजी को राइट टाइम में मेडिसिन नहीं मिला, इसके लिए वो मर गया। वो जो ढलाई में मेनिनजाइटिस से हर साल मरते थे, वो जो तिपरासा जिसको नौकरी नहीं मिला क्योंकि उसने वोट नहीं किया सीपीएम को, इसके लिए आपने उनको नौकरी नहीं दिया, वो आपको जवाब देगा। मैं नहीं दूंगा। आपको तिपरासा को समझना है कि इफ वी आर वन एज अ कम्युनिटी, आपका पार्टी अलग हो सकता है, रखिए अलग पार्टी, लेकिन जब कम्युनिटी का बात आता है
तो हमें एक होना चाहिए। जब इंडिया पाकिस्तान के संग कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपका पार्टी कोई भी हो, इंडियंस शुड बी वन। जब कनाडा में कुछ प्रॉब्लम होता है, आप कहीं भी रहो, आप कोई भी पार्टी को वोट करो, इंडिया शुड बी वन सपोर्टिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। जब अरुणाचल में चाइनीज आता है, इंडियंस शुड बी वन। और जब तिपरासा के ऊपर अत्याचार होता है, जब तिपरासा को डिनाई किया जाता है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जब तिपरासा को भूमिहीन किया जाता है TLR-LR एक्ट करके 1974 में, जब तिपरासा को डुंबुर से बाहर फेंका जाता है, जब ब्रू लोगों को, तिपरासा लोगों को रेफ्यूजी बनाकर अपने ही राज्य में कंचनपुर में भिखारी जैसा बनाकर रखा जाता है, तब तिपरासा को पार्टी को छोड़कर अपने तिपरासा के हित में बात करना चाहिए। हाँ, बंदूक से कुछ नहीं होगा, वायलेंस से कुछ नहीं होगा, ये मेरा मैसेज है। और कल एक टाइम मिलेगा, 12 घंटा है बस, 12 घंटा तिपरासा बन के रहिए, पार्टी को पीछे रखिए, 12 घंटा फर्स्ट बी एट तिपरासा। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन अगर तिपरासा, एक गरीब तिपरासा के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो मैं, और कोई बोलता कि ये गलत बात है, तो मैं ये गलती रोज करूंगा। अगर कोई कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन राइट्स मांगने से आप गलती कर रहे हो, तो मैं वो गलती रोज करूंगा। यू आर माई पावर, यू आर माई होप, द यूथ इज माई होप, यू आर द होप, एंड दिस इज अ फाइट नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, एनी रिलीजन, दिस इज अ फाइट फॉर अ सेल्फ डिटर्मिनेशन, अ पीसफुल स्ट्रगल, बट अ स्ट्रगल नेवर्थलेस। कल रहूं या ना रहूं, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, मैं डरता नहीं हूं अंकेबुनी की रिया, मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ। दिस इज माई मैसेज टू ऑल माई तिपरासा वॉरियर्स, माई दोफा, कल कम आउट इन नंबर्स वॉरियर्स एंड शो that we can have a successful and a peaceful strike. To all my Tiprasa people, jinko bhi emergency hai, unko jane dijiye, shaadi ho, medical emergency ho, family mein koi problem ho, doodh wala ho, newspaper, media ho, fire service ho, उनको आप रोकिए मत। हम लोग गुंडे नहीं है, वी आर वॉरियर्स हु आर फाइटिंग फॉर अ फ्रीडम, फॉर जस्टिस, फॉर अ सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। वी आर नॉट हूलिगन्स हु विल क्रिएट डिस्टर्बेंस। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। कल मैं देखना चाहता हूं कि कितना है किस में कितना दम। लेट्स सी। बेलाय बेलाय नो हम्बाय, तिपरा मथा आई क्लॉक थोंग, तिपरासा वॉरियर्स आई क्लॉक थोंग, तिपरासा दफा आई क्लॉक थोंग। हम भाई।